इस दुनिया में दो तरह के केसेस होते हैं, एक अनसॉल्व्ड और एक सॉल्व्ड। जो केसेस सॉल्व हो जाती है उसमें बाद में जाके मिस्ट्री नहीं होती है, बट इस दुनिया में आज भी ऐसे हज़ारों केसेस हैं जिसका एक्सप्लेनेशन आज तक किसी को नहीं मिला है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस भरे पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी पांडे स्वागत करता हूं आपका हॉन्टेड सीरीज़ के एक नए एपिसोड में। आज मैं आपको एक ऐसे चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं ना, जिसे देखने के बाद आपको यकीन शायद ना ही हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। हैदराबाद शहर में एक ऐसी सेंसेशनल घटना हुई ना, जो कि साल 2002 के टाइम एक पैरानॉर्मल टॉपिक थी जो सेंसेशन बनी हुई थी, और आज भी जब लोग ये कहानी सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये क्या था। कुंदन बाग हाउस एक हाउस होता है जिसके अंदर एक फैमिली रहती है, जिसमें मम्मी पापा और दो बेटी, एक नॉर्मल सी फैमिली रहती है। उसके पापा एक दिन अचानक से घर छोड़ के चले जाते हैं और कभी वापस आते ही नहीं। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन चोर उस घर में चोरी करने घुसता है। वो जब अंदर जाता है तो देखता है कि ज़मीन पर 3 लाश पड़ी हुई है। वो लाश उस मम्मी और दो बेटी की होती है, और जब ये बात उस चोर ने पुलिस स्टेशन में जाके कहा तो पुलिस को ऑफ कोर्स लगा कि इसी ने मारा होगा। बट जब उनके बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो ये बात पता चला कि वो डेड बॉडी 6 महीने पुरानी है। बट वहाँ के लोगों से जब पूछताछ हुई तब वे लोग ये कहे कि उनकी बेटी को तो कल ही वो लोग खेलते हुए देखे थे, उसकी माँ कल ही तो बालकनी में टहल रही थी। आखिर ये कैसे हो सकता है? लोग ये भी कहे कि दोनों बेटियों के हाथ में ब्लड टाइप का पैकेट था, लाल कलर का। बहुत अजीब बात है। पुलिस ने जब इस बात को सुना तो उसके घर के अंदर सारी चीज़ों की जांच हुई और एक जगह ब्लैक मैजिक करने की सामानें मिली, और इससे यही पता चला कि वो तीनों शायद ये सब करती होंगी। बट अगर डेड बॉडी 6 महीने पहले की है तो वो हाल ही में कैसे दिख सकती हैं? पड़ोसी कहते हैं कि कुछ दिन पहले तक तो वो हाथ में कैंडल लेके बालकोनी में घूमती थी। और जैसे कि सीबीआई के पास होते हैं कुछ कुछ केसेस जो सॉल्व हो जाते हैं और कुछ अनसॉल्व्ड, तो ये सबसे बड़े अनसॉल्व्ड केसेस में से एक है। इसका एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं पता चला है कि ये क्या था और कैसे। और उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हुई, तब जब इस घर को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया था, तब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ होना कॉमन हो गई। जब भी लोग यहाँ से गुजरते थे तो देखते थे कि बल्ब जल रहा है, जबकि इस घर में बिजली को काट दिया गया था। कुंदन बाग हाउस नाम है इस हाउस का, और ये हैदराबाद में लोकेटेड है। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे स्कैरी हॉरर स्टोरीज में से एक है जो कि अनएक्सप्लेन्ड है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हॉरर केस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।